नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धीरमपुर से 5 किलोमीटर दूर पर मिला दो शव, हत्या के कारण का अभी तक नहीं हुआ खुलासा, पुलिस कर रही जांच। दुर्ग जिले में आरक्षक की तैरती हुई मिली लाश, मोबाइल में मिले आईडी कार्ड से हुई आरक्षक की पहचान। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने पसारे अपने पैर, वहीं 17 स्कूली बच्चे पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 25 अप्रैल से 1 मई तक शिव पुराण कथा का होगा आयोजन, पंडित प्रदीप मिश्रा का भिलाई में होगा आगमन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड के ग्राम बीरमपुर में दो समुदायों में खूनी संघर्ष में एक की हत्या के बाद आज चौथे दिन बीरमपुर के पास ग्राम कुरवाए में खेत के पास दो मुस्लिम समुदाय का शव मिला है। पुलिस ने उक्त शव की शिनाख्त रहीम पिता उम्मद मोहम्मद उम्र 55 साल व ईदुल मोहम्मद उम्र 35 वर्ष के रूप में की है। दोनों पिता पुत्र होना बताया जा रहा है। दोनों बकरी व कृषि मजदूरी का काम करते थे। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आने से उनके मृत्यु के कारण का पता अज्ञात है। वहीं दो मुस्लिम शव मिलने से क्षेत्र में दहशत व तनाव का माहौल कायम है। पुलिस के द्वारा दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए बेमेतरा जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों के माध्यम से शव को पहचान कराई गई है। शव को नजदीक जाकर देखने पर युवक के सिर पर जख्म का भी निशान है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की हत्या कर शव को छुपाने के उद्देश्य से खेत में लाकर फेंक दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लेकर जांच में जुटी हुई है। 6-7 किलोमीटर दूर कार्रवाई करके गांव है, वहां पे दो लाश रिकवर हुई है। इनकी पहचान हुआ है जो बीरनपुर रहने वाले ईदुल और रहीम के नाम से, और ये लोग बकरी चराने के काम करते हैं। एक पिता और पुत्र है, और इनको जो है सिर पर चोट लगने से मृत्यु हुई है। लेकिन पूरी डिटेल विस्तृत जांच रिपोर्ट पोस्टमार्टम का भी नहीं आया है, जैसे ही आएगा और डिटेल बता पाएंगे। लेकिन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक आईपीएस ऑफिसर के निर्देश में इसमें जांच कर रहे हैं। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी इसमें आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस जो है कल वो बंद और जो राजनीतिक दल आए हैं उनकी सुरक्षा में और इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगी है। और ये जो घटना है रोड से काफ़ी दूर है, एक जंगल टाइप का एरिया में है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसमें आरोपियों को गिरफ्तार करें। बीरनपुर और उसके आसपास में जितने भी संवेदनशील गांव हैं, संवेदनशील जगह है, वहां पर पेट्रोलिंग और फिक्स पॉइंट्स बढ़ाया गया है। इसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बॉडी कैमरास, इंफ्रारेड कैमरास भी अब लगाए गए हैं। और हमें उम्मीद है कि इसमें अभी कोई चूक नहीं होगी और बहुत जल्दी बीरनपुर में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। यहाँ पे फोर्स अभी जो फिलहाल दो तैनात है वो पर्याप्त है, यदि आवश्यकता पड़ी तो इसमें और बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिले में एक आरक्षक की तालाब में लाश मिलने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। उसके पास मिले आईडी कार्ड से उसकी पहचान अक्षय कुमार नागरे के रूप में हुई है। कांस्टेबल की मौत हत्या या कोई अन्य कारण है, इसकी जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम 5 बजे के करीब पुलिस लाइन के पीछे स्थित तालाब में किसी ने एक युवक की लाश तैरते हुए देखा। उसने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। स्थानीय लोगों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया। शव की जांच की गई तो जेब से पुलिस विभाग का आई कार्ड मिला, जिससे मृतक की पहचान आरक्षक अक्षय कुमार नागरे के रूप में हुई। वह दुर्ग एसपी ऑफिस में पदस्थ था। आरक्षक की मौत कैसे हुई, उसका शव तालाब में कैसे आया, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस आरक्षक के पास मिले मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। साथ ही उसके परिजनों और दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि उन्होंने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए दुर्ग जिला अस्पताल भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आरक्षक की मौत कैसे हुई, उसकी हत्या करके तालाब में फेंका गया है या किसी और कारण से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी है। इस तरह एक जवान की लाश तालाब में तैरती हुई मिलने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोग हत्या की बात कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ये खुदकुशी है या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस बारे में कुछ भी साफ जवाब नहीं दे रही है। मामला पद्मनापुर थाने का है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। सूरजपुर में कोरोना ने एक बार फिर से अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में एक साथ 17 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना से निपटने के लिए पूरे जिले में तैयारी कर ली गई है। डॉक्टर अजय मरकाम ने बताया कि स्कूल के बच्चे सर्दी खांसी से ग्रसित थे, स्कूल टीचर के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। सरकार के आदेश के अनुसार इस तरह के मामले आने पर कोरोना का जांच करना है। जब इन बच्चों का टेस्ट हुआ तो कुछ बच्चे पॉजिटिव मिले। फिर हमने कलेक्टर मैडम के आदेश पर हॉस्टल में कैंप बनाया और सभी बच्चों का टेस्ट कराया गया, जहां कुछ और भी बच्चे पॉजिटिव मिले। कुल मिलाकर 17 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें वहीं एक कमरे में रखकर इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना नियम का पालन करने की प्रशासन ने अपील की है। कल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 17 बच्चे पॉजिटिव आए हैं
वार्डन मैडम कल कुछ बच्चे को सर्दी जुकाम की शिकायत थी, उसकी वजह से जिला चिकित्सालय सूरजपुर में उन बच्चों को लेके आए थे, 10 बच्चों को लेके आए थे। जब चूंकि राज्य सरकार का निर्देश है कि सभी बच्चे जिनको सर्दी जुकाम है या बड़े से बड़े वयस्क चाहे बच्चे सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं या सांस तेज चल रही है तो उनका कोविड टेस्टिंग कराना है, तो उसी लिए हमने सभी बच्चों का कोविड टेस्टिंग कराया था। 10 में से 8 बच्चे कोविड पॉजिटिव आए थे। जैसे ही हमें पता चला कि 8 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, कलेक्टर मैडम के निर्देश के अनुसार हमने फिर उस हॉस्टल में कैंप लगाया। उस कैंप में फर्दर कुछ बच्चों को, 20 बच्चे के आसपास को सर्दी जुकाम था, उनमें 9 बच्चे दोबारा पॉजिटिव आ गए हैं, कोविड के लिए फिर पॉजिटिव आए। इस तरह से टोटल 17 बच्चे पॉजिटिव है। अभी सारे बच्चे वही कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में ही हैं, उनको सेपरेट एक अलग रूम है, सभी बच्चों को अलग सेपरेट रखा गया है, सभी स्टेबल है। आज सुबह के स्टेटस में भी सबकी तबीयत ठीक है। हाँ, पूरे हमारे सूरजपुर जिले में 33 एक्टिव केस हैं। वैक्सीन बच्चियों को लगे हैं, जो बच्चियाँ 12 साल से ऊपर हैं उनको वैक्सीन लगे हैं। उनमें कई ऐसे बच्चे हैं जो 12 साल पूरे नहीं हुए हैं, या जब उनका वैक्सीनेशन हो रहा था उस समय 12 साल उनकी पूरी नहीं थी। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के अप्रैल माह में होने वाले शिवपुराण कथा के आयोजन स्थल का भूमि पूजन कर ध्वज स्थापना किया गया। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जयंती स्टेडियम में पंडित प्रदीप मिश्रा कार्यक्रम को लेकर आज भूमि पूजन और ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। जीवन आनंद फाउंडेशन भिलाई आयोजक एवं बीजेपी पार्षद विनोद सिंह ने बताया कि आगामी 25 अप्रैल से 1 मई तक जयंती स्टेडियम में कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा होगी। इसे लेकर कथा पंडाल तैयार को लेकर श्रद्धालु और भक्त जनों की मौजूदगी में पंडाल का भूमि पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि कथा स्थल के लिए यहां करीब 4 एकड़ जगह आरक्षित की गई है, वहीं पार्किंग के लिए 10 एकड़ जगह विभिन्न स्थानों पर आरक्षित की गई है और 4 प्रमुख द्वार बनाए गए हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आएंगे। लाखों की संख्या में आने वाले भक्तों के लिए भव्य तरीके से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं हम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि सनातन धर्म के लोग जाग चुके हैं, लगभग 8 से 10 लाख लोग कथा सुनने पहुंचेंगे। आज इस पावन धरा पे शिव महापुराण कथा को लेकर आज भूमि पूजन का प्रथम आयोजन रखा गया था। इसमें सभी श्रद्धालुजन भक्तजन आए और 25 तारीख से 25 अप्रैल से 1 मई तक शिव महापुराण की कथा हम सब भिलाई वासियों को रसपान करने का अवसर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से श्रीमुख से हम लोग को शिव महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य सबको प्राप्त हुआ है होगा। और बाकी यहां पर विभिन्न आवास से तो तैयारियां अब ग्राउंड की चालू कार्य प्रारंभ हो गया है और भी अब रोज़ प्रतिदिन तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आयोजन को लेके कुछ ना कुछ चर्चाएं चलते रही। और बाकी हम लोगों की जो व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत पंडाल हम लोग का 300 बाई 450 का स्क्वायर फीट का पंडाल लग रहा है, 1,35,000 स्क्वायर फीट में, और 4 प्रमुख द्वार बन रहे हैं यहाँ पर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 1 नंबर हमारा नंदी द्वार रहेगा, 2 शिवनाथ, 3 द्वारका और 4 एक द्वार और है परीक्षित द्वार। 4 द्वार रहेंगे हमारे यहाँ और मिराज टाकीज के पास से भी पूरा पैक रहेगा, प्लस प्रगति अपना भवन वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ग्राउंड पैक रहेगा। ये इधर आने जाने की कोई सुविधा नहीं, केवल श्रद्धालु लोग ही कथा सुनने आएंगे और नित्य दिन भंडारे की भी व्यवस्था यहाँ पर है। इंजीनियरिंग भवन है सामने में, वहीं पर भंडारे की भी व्यवस्था नित्य दिन रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा के बीरमपुर में 2 समुदायों के खूनी संघर्ष में अभी तक 3 लोगों की हत्या हुई है, वहीं अब प्रशासन सख्त में है। बीरमपुर गांव सहित आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं बीरमपुर गांव जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग कर हर आने जाने वाले लोगों की गाड़ी की तलाशी की जा रही है। वहीं बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि अभी पूरे बेमेतरा जिले में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं मौके वारदात घटना स्थल का आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा द्वारा हर बिंदुओं पर हर पहलुओं पर जांच आरंभ किया गया है। कई आईएएस अफसर इस जांच में जुटे हैं। वहीं हत्या करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस सुराग ढूंढ रही है। आपको बता दें कि अभी बीरमपुर गांव में मातम छाया हुआ है, वहीं गमगीन माहौल में अंदर ही अंदर आग भड़की हुई है। कभी भी कुछ अप्रिय घटना अब ना घटे, इसलिए पुलिस ड्रोन कैमरे के माध्यम से हर आने जाने वालों की निगरानी कर रही है। वहीं आम रास्तों पर पुलिस का फ्लैग मार्च के अलावा चौक चौराहों पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। बेमेतरा जिले के हम बीरमपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम तमाम हालात पे इस वस्तु स्थिति की घटनाक्रम की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, पल पल की खबर बता रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे, हत्या हुई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक एवं आईजी साहब स्वयं
मौका स्थल वारदात का मुआयना कर घटनाक्रम की पल पल जानकारी लेते हुए यह सब मामले का सघन सर्चिंग अभियान भी कर रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और आने जाने वालों के ऊपर गाड़ी की तलाशी ले जा रही है, जांच किया जा रहा है। वहीं हर कोई आने जाने वाले की पल पल की जानकारी रखने के लिए ड्रोन कैमरा से निगरानी भी किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज साझा से मैं हूँ लाला सिंह ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के बीरमपुर इलाके में सांप्रदायिक तनाव और 3 लाशें मिलने के बाद हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। मृतक युवक भुवनेश्वर साहू के परिजनों के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साहू समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद 10 लाख रुपए मुआवजा राशि और भुवनेश्वर साहू के घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के लिए ऐलान किया है। लेकिन इस घोषणा के बावजूद भुवनेश्वर साहू के परिजनों में शोक और मायूसी की लहर है। परिजनों ने जान का खतरा बताते हुए खुद की सुरक्षा के लिए चिंता जताई है और सरकार प्रशासन से अपील की है कि गांव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़े प्रबंध किए जाए। वो तो बोलेंगे अरे साले हम तेरे को खरीद लिया 10 लाख में, ये ऐसी सब आएंगे ना क्या मतलब सर। कानून का डर रहना चाहिए हर किसी को कि कानून क्या होता है। अगली बार सोचे कानून करने के पहले वो 10 बार सोचे कि क्या होता है कानून और किसी का घर उजाड़ना क्या होता है, क्या दिल भावना होता है। और कानून का भी डर रहना चाहिए और किसी का दर्द का भी मालूम पड़ना चाहिए कि क्या होता है दर्द। 4 जो 11 लोगों को अपराधी को किए उनके दिल में क्या हो रहा हूँ, ये ऐसी सब डर रहना चाहिए कानून का। वो तो ठीक है भैया, लेकिन जो कातिल है ना उला सजा मिलना चाहिए। आज मैं तो एक दर्द में हूँ माँ बाप, लेकिन दूसरा माँ बाप ना इसे मोर्जी से दर्द नहीं मिलना चाहिए और अपराधी जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। इतना चाहते फिर बाकी कुछ नहीं बोल सकूँ भैया, मैं बोल के पूरा थक गई हूँ। हाँ अभी भी डर है, तो ऐसे जो बच्चा जाने आने वाला छोटे छोटे बच्चा है, अभी एक छोटे बच्चा है ओकर साथ कुछ ऐसे हादसा मत हो। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरमपुर गांव में दो समुदायों में तनाव के बीच जिला प्रशासन ने शांति बहाली के लिए बैठक की। इस बैठक में दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रशासन ने दोनों पक्षों से इलाके में शांति कायम रखने की अपील की है। ग्राम पंचायत बीरमपुर के सरपंच जेठूराम साहू ने गांव में शांति व्यवस्था के लिए लोगों से सहयोग का निवेदन और अपील की है। उन्होंने कहा है कि गांव में दो बच्चों के झगड़े के बाद उपजे हालात में दो पक्षों के बीच आपस में बैठकर शांति और सुलह की कोशिशें की जा रही है। ऐसे में बाहरी लोगों को उनके गाँव में अशांति और भगदड़ नहीं करनी चाहिए। बाहर के लोग गाँव के मामले में दखल न दें। जिला प्रशासन की बैठक में गाँव वालों को राशन वितरण करने की बात कही गई। हिंसक झड़प के दूसरे दिन भी पुलिस के पहरे में रहा बीरमपुर गांव, गलियां रही वीरान। इससे पहले साजा ब्लॉक के बीरमपुर गांव में दो समुदायों में तनाव के बीच मंगलवार को दो और शव मिले हैं। दोनों शव बीरमपुर गांव के मुस्लिम समुदाय के पिता पुत्र के हैं। दोनों कृषि मजदूरी करते थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। राजधानी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। ज्ञात हो कि इसी बीच एक युवक भुवनेश्वर साहू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम न्यूज। नगर निगम में हाल ही में संपत्ति कर की वसूली में लगाई गई नई एजेंसी द्वारा संपत्ति कर की रसीद संपत्ति करदाताओं को हिंदी में दी जा रही है। संपत्ति कर की वसूली में लगाई गई नई एजेंसी के द्वारा अब संपत्ति करदाताओं को संपत्ति कर जमा किए जाने की रसीद हिंदी में दी जा रही है, जिससे अब लोगों को समझ में आने लगा है कि किस मद की राशि नगर निगम के द्वारा वसूल की जा रही है। इसके पूर्व जितनी भी एजेंसी नगर निगम के द्वारा संपत्ति कर की वसूली लगाई गई थी, उन सभी के द्वारा अंग्रेजी में लोगों को संपत्ति कर की रसीद दी जाती थी। ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी समझ नहीं आने की वजह से परेशान होना पड़ता था। निगम के कर्मचारी भी इस बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं रहते थे। लोगों की परेशानियों को देखते हुए संपत्ति कर की रसीद हिंदी में दी जाने लगी है, जिससे लोगों में बनी असमंजस की स्थिति समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही एक संपत्ति करदाता रामायण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आयुक्त महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अभी जो संपत्ति कर वसूली के संबंध में जो जानकारी दे रहे हैं, विस्तृत जानकारी जो हिंदी में है, और हिंदी में होने की वजह से आम जनता को काफ़ी राहत मिल जाता है। पूर्व वाला जो है इंग्लिश में जो देता था, जिससे जनता भ्रमित होता था, इसीलिए अभी जो चल रहा है ये एक्चुअल सही है। और मैडम लोग जो है विस्तृत जानकारी देने के बाद ही टैक्स वसूल करते हैं, ताकि इससे आदमी को कोई गुमराह नहीं हो सके। लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर निगम प्रशासन का यह कार्य सराहनीय है। अब उन्हें समझ में आने लगा है कि किस मद की राशि उनके द्वारा नगर निगम में जमा कराई जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ नगरी निकाय सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उपादान एवं अर्जित अवकाश नगदीकरण की राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिलाने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ नगरी निकाय सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारी और उससे जुड़े सदस्य के लोग पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। कुछ को छोड़कर इनके ज्यादातर मांगे लंबी थी। बुधवार को कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास को उपादान एवं अर्जित अवकाश नकदीकरण की राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिलाने का अनुरोध किया है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि अनेक मांगे पिछले 2-3 वर्षों से लंबित है, जिसका भुगतान 80-90 लाख रुपये तक किया जाना है। इस प्रकार पदाधिकारियों ने अन्य समस्याओं से भी निगम आयुक्त को अवगत कराया, जिस पर निगम आयुक्त ने निगम कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ नगरी निकाय सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय महासचिव श्रवण कुमार ठाकुर ने ज्ञापन को लेकर जानकारी दी। आज सेवानिवृत्त नगरी निकाय अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ भिलाई के तरफ से आदरणीय कमिश्नर श्री रोहित व्यास जी से मुलाकात की गई। उनसे गुजारिश की गई कि सर, सेवानिवृत्त हुए 2 साल हो रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को उपादान की राशि अर्जित अवकाश नकदीकरण की राशि नहीं मिल पाई है। उन्होंने त्वरित लेखाधिकारी को फोन करके आज ही दिसंबर 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का अर्जित अवकाश की राशि और उपादान की राशि भिजवाने की आश्वासन दिया, वादा किया, जिसके लिए मैं आदरणीय रोहित व्यास जी IAS को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पेंशनर संघ की तरफ से। आज इसी परिषद में हम लोगों की मुलाकात हुई। इसके अलावा उनके नॉलेज में यह बात भी लाई गई हम लोगों के द्वारा कि सर, 80-90 लाख रुपए के बकाया जो नियमित यहाँ कार्यरत करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका भी एरियर्स भी छोटे छोटे बिलों के रूप में समय मान वेतन मान का अर्जित अवकाश का
इस प्रकार से रुका हुआ जिसे निपटाने का कष्ट कर उन्होंने कहा यह भी मैं तुरंत करवा देता हूँ। गौरतलब है कि नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कुछ मांगे प्रशासन स्तर पर लंबित है, जिस पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा लगातार पत्र व्यवहार किया जाता रहा है, लेकिन हर बार कर्मचारियों के हाथ केवल आश्वासन ही लगता आया है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। हजारों लोगों की आस्था के केंद्र कैंप 2 स्थित बैकुंठधाम तालाब को नगर निगम में उपेक्षित छोड़ रखा है। तालाब के चारों ओर गंदगी का अंबार है। पानी का रंग बदलकर अब पूरी तरह हरा हो चुका है। तालाब में केवल मवेशी मालिक ही अपने मवेशियों को नहलाने का कार्य कर रहे हैं। सरोवर धरोवर योजना के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के सभी प्रमुख तालाबों के सौंदर्यीकरण गहरीकरण करने की बातें कही गई थी। इस कार्य में कितना अमल किया जा सका है यह कैंप 2 स्थित बैकुंठधाम तालाब आकर देखा जा सकता है। तालाब के चारों ओर गंदगी और कचरे का अंबार है। पूरे तालाब का पानी हरा हो चुका है। यहाँ मवेशी मालिक अपनी भैंसों को नहलाने का कार्य करते हैं। पानी खराब हो जाने की वजह से गरीब वर्ग के लोगों के लिए यहाँ निस्तारी का कार्य करना छोड़ दिया है। तालाब के चारों ओर ना तो पाथवे बनाया गया है, ना ही किसी तरह का सौंदर्यीकरण किया गया है। केवल प्रमुख त्योहारों के पूर्व ही तालाब की साफ सफाई की जाती है, फिर इसे उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। तालाब का पानी गंदा होने के साथ ही सूख रहा है। गर्मी के मद्देनजर तालाब में पानी भरने के कार्य की शुरुआत भी नहीं की जा सकती, लेकिन इसके पूर्व तालाब के पानी को बदलना बेहद अनिवार्य होगा। इसमें निस्तारी करने के कारण जल जनित बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इस वजह से लोगों ने तालाब का उपयोग करना छोड़ दिया है। तालाब के रखरखाव और पानी छोड़े जाने की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। जो तालाबों को निस्तारी तालाब को जो भरा जाता है, जो नगर पालिका मिले क्षेत्र का आते हैं, उनको लेकर जो तैयारियां काफ़ी समय से की जा रही हैं और इसको लेकर व्यापक सफाई जहां से जो केनाल से होते हुए जो तालाबों तक पानी आता है दुला डैम का या अन्य कोई जल स्रोतों से, तो उसके लिए जो है व्यवस्था बनाने का काम जो है निगम प्रशासन ने कर लिया है और इसी तारतम्य में जो है निस्तारी तालाबों को भरने का काम भी किया जा रहा है। और ये है कि जो निस्तारी तालाब जो सिलेक्टेड तालाब होते हैं जहाँ पे निस्तारी के लोग काम करते हैं, उनको लेकर प्राथमिकता के आधार पर ऐसे जल स्रोतों को और उनसे जो वाटर जो हार्वेस्टिंग हो सकती है, वाटर रिचार्जिंग हो सकती है, इसको लेकर के जो है नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत तालाबों को भरने का काम किया जा रहा है। ऐसे कुछ तालाब भी हैं जिसमें सैंपल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भरा जाता है, तो उस पर भी जो है काम जो है वो निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। देखिए वहाँ पे जो है अभी जन जागरूकता जब अभियान जो है वो चलाया गया था ताकि जो आसपास के लोग हैं वहाँ पे कचरा न डालें, और अवेयरनेस का काम जो है स्वच्छता अभियान के द्वारा लगातार किया जा रहा है। वहाँ पे रैलियाँ और जुलूस के माध्यम से और पोस्टर और बैनर के माध्यम से भी लोगों को जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर लोगों में जागरूकता भी आ रही है, लोगों को जोड़ करके जो है जो कचरा फैला रहा है उन पर जो है जुर्माना भी लिया जा रहा है, और लोगों को जोड़ने का सफाई अभियान में तालाबों की सफाई अभियान में ये प्रति सप्ताह जो है पर्यावरण विभाग का भी यही काम है। बैकुंठधाम तालाब के अलावा अन्य तालाबों की भी ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। गिने चुने तालाबों का ही रखरखाव कार्य किया गया है, अब यह तालाब केवल नाम का ही शेष रह गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत मेड़ा सोसाइटी प्रबंधक द्वारा किसानों के नाम पर कर्ज निकालने का मामला सामने आया है। वहीं कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने आत्महत्या कर ली है। राजनांदगांव जिले में कर्ज तले दबे किसान पुत्र आनंद कंवर ने मेड़ा सोसाइटी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के बाद लगभग 6 गांव के लोग आज राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे की अगुवानी में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की। इस दौरान डोंगरगढ़ क्षेत्र के मेड़ा सोसाइटी महाप्रबंधक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोसाइटी प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा द्वारा किसानों के नाम से केसीसी के माध्यम से फर्जी कर्ज निकालकर किसानों को कर्ज के बोझ तले दबा दिया गया है। मृतक आनंद कंवर भी इसी कर्ज का दंश झेल रहा था। वहीं मृतक के जीजा भागवत चंद्रवंशी ने बताया कि सोसाइटी प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा ने कर्ज के नाम पर निकाले गए इन रुपयों को लौटाने की बात कही थी, लेकिन वह रुपये नहीं लौटा रहा था। वहीं इस मामले में सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने रुपये लौटा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन नवाज खान सोसाइटी प्रबंधक को इस मामले में संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी प्रबंधक द्वारा फर्जी दस्तखत कराकर पैसे निकाल लिए गए हैं, जिसकी वजह से आनंद कंवर ने अपनी जान दे दी। जब मोर साला है जहर खाई मोर पता चली इसमें हॉस्पिटल में रहे हो, फिर मतलब इलाज चला तब से मृत्यु तक में रहे हो, तो जब हो सही से और मैं पूछे थे काबर इसे कदम उठाए काबर पिए है सही करके तो बताइसो है कि मैं क्या करो भाटो, मैं कर्जा देखे परेशान हो, मोर बाप पढ़ा हवे है ओला आनंद फान में फर्जी दस्तखत करा पूरी के सब पैसा निकाल ले है, अभी भी हमार जे धान बेचैन वो भी पूरा समाप्त हो गए, तो मैं भी बोले एक तो सब चला थे यार रिपोर्ट रिपोर्ट का कहते के चला थे, पर वो का है नवाज खान के चक्कर में ना ये सब खाली लाली पाप दिखा थे, बोलिस लाली पाप दिखा थे भाटो हम बल्ला कुछ नहीं करा थे नवाज खान है इस घर के,
सब मिले जुले हैं हमारे सगर के प्रबंधक। तो मैं चाहता हूँ कि नीचे से लेकर जो ऊपर तक अधिकारी ने उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मोर पीड़ित परिवार ला सहयोग राशि मिलना चाहिए उनकर। अब जितने एक साथ साथ जति ग्राम खलारी में जो कर्जाधारी है उनकर नील होना चाहिए पर्चा है नहीं, कोई कर्जा नहीं। यही हमारे कलेक्टर जी से मांग करे वगैरह हैं। अभी मैं खास करके संरक्षण तो नवाजी खान है, अगर वो जिला के किसान अध्यक्ष है तो उसको होना चाहिए है ना। केवल एक प्रबंधक को बचाने के लिए खाली ये चक्कर चला रहे हो, अपने किसान भाई मल्ला आत्महत्या करने में मजबूर कर दे हैं। बड़े बड़े मंच पर जाके मैं समझता हूँ आज ना नाथगांव जिला में ओकर सामने नवाज खान के सामने ना विधायक के चरण काकरो चले, खाली अपन आप सेकंड नंबर के सीएम मानते वहाँ। एक ने भी मानत हो सेकंड नेम के सेकंड नंबर के सीएम मानते वहाँ। कौन मानते? नवाज खान नहीं मानत, लेकिन मैं मानत हूँ। काबर की विधायक को चलना नहीं है ना, वो भैया डलेश्वर के चले ना छनी साहू के चले। मैं बड़े बड़े मंच में गया हूँ, देखे हूँ चुपके बैठे रहते कुंटा में, तो एक से जाहिर होते नहीं है, है नहीं। खाली नाम चला इसलिए हो भैया, कम से कम वो गरीब किसान हवे उनकर मन के उद्धार तो करो। खाली खलारी गांव के नहीं है, मेढ़ा पिपरिया जितना भी मेढ़ा के अंडर में रही सना ओकर अंडर सब हवे कर्जाधारी। ये सब फर्जी दस्तखत करके चेक में दस्तखत करा लेते, खाली मान लो निकालना बोल 50,00,000 और मैं लिख दे 2,00,000 तो बाकी कर्जे कौन भोगती भैया है नहीं। तम तो मर गए ना, आज तो मोर साला हो आत्महत्या करते, इसे कई हो सकते। एक मैं चाहता हूँ आप मन के माध्यम से कि न्याय मिलना चाहिए और बचाना चाहिए। आदिवासी गरीब किसान आनंद कंवर, जिसके पिताजी मेरे और इधर बाई ओर खड़े हैं, ये गांव के पटेल हैं, ये उनके जीजा जी हैं मृतक के आनंद के। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये आज सारे कृषक कम से कम 10 गांव के इसलिए आए हैं कलेक्टर से, वो गुहार लगाने आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। आज ऐसे समिति प्रबंधक जो कुलदीप विश्वकर्मा, जिन्होंने गरीब किसानों के नाम से 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसा पैसा निकाल लिया है, कैपेसिटी से ज़्यादा नियम के विरुद्ध उन्होंने पैसा निकाला केसीसी से, और निकालने के बाद जब ये खातू माटी के लिए कर्जा लेने के लिए गए तो पता चला कि हमारा पैसा तो किसी ने निकाल लिया है। वो पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं दूंगा। बोले कि कब तक दोगे? तो बोले 8 दिन में दूंगा, 15 दिन में। अंत में ये FIR करने गए थाने में, तब वहाँ जो यहाँ के बैंक के चेयरमैन हैं नवाज खान, उन्होंने उनको समझौता कराया कि पैसा मैं दिलाऊंगा। और 1 महीना गया, 2 महीना गया, 4 महीना गया, 5 महीना गया, अंत में पिता और पुत्र के विषय में लड़ाई हुई कि बेटा तुम निकाल करके खा गए। बोला पिताजी मैं पैसा नहीं निकाला हूँ, और मेरे जैसे सैकड़ों किसान का इन्होंने पैसा निकाला है। और अंत में वो जहर खा करके अपना प्राण त्याग दिया और हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। कल उनका संस्कार किया गया है, आज पूरे कृषक यहाँ आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। आखिर कुलदीप के समिति प्रबंधक के साथ में कौन कौन अधिकारी चेयरमैन शामिल हैं उसकी जांच कराई जाए, और चेयरमैन से लेकर के समिति प्रबंधक तक सबको बर्खास्त कर जेल के अंदर डाला जाए। आज ही हम डिमांड करने आए हैं। हाँ, अभी डेलीगेशन आया था कि समिति प्रबंधक मेढ़ा के समिति प्रबंधक के द्वारा गलत तरीके से राशि का आहरण करना और किसानों को परेशान करना, उनसे वसूली निकालना, इससे संबंधित 6 गांव के किसानों के माध्यम से जो शिकायत किया गया है वो मुझे आज ज्ञापन के रूप में उन्होंने दिया है। और मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है कि ऐसे कोई भी किसान जिन्होंने ऋण नहीं लिया है तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उनको ऑडिट करा के ख़त्म कर रहे हैं। साथ ही जिसके विरुद्ध शिकायत आ रही है, समिति प्रबंधक के विरुद्ध नाम जब जो किया गया है उसको जांच करा के हम शीघ्र ही तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये देखिए 2021 का मामला है, अब इसमें उस समय क्या कार्रवाई हुई थी मैंने अभी रिपोर्ट में बुलाया है, और हमारे SDM भी और बाकी अधिकारी बैंक के अधिकारियों से भी मैंने बात किया है, और अब हम चूंकि मेरे संज्ञान में आ चुका है तो हम इसमें सख्त कार्रवाई करें। किसानों को किसी प्रकार से कोई हम इसके शिकायत थाने में भी हुई है, थानेदार भी जांच वहां से मैं रिपोर्ट बुलवा रहा हूं। कांग्रेस के एक बड़े नेता पर आरोप लगाया गया है। देखिए जो अभी मुझे जो फैक्ट इन्होंने दिया है मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, किसानों के साथ कोई अहित ना हो ये पूरा फोकस मेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।